यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहरी अश्विन शर्मा की एनसीईआरटी पैटर्न बुक है और आपके पास अध्याय चल रहा है दूसरा, संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन में से एक्सरसाइज आपके पास 2C आज स्टार्ट होगी। 2C का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज आप लोगों को बताते हैं, इसमें कुछ थ्योरी है तो थ्योरी आप लोगों को थोड़ा सा सीखना है और थोड़े उसके बारे में जानना है। तो आप लोग बने रहिएगा और यहाँ पर रहिएगा, आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस कभी हो सकता है कि आप लोगों की क्लासेज नहीं हो पाती हैं, तो अगले वीक में जो थी क्लासेज थोड़ी सी बंक हो गई थी, मिस थी, तो कोई बात नहीं, आज से आप लोगों कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आज आप लोगों के पास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2C। 2C में से आप लोग देखिए, एक प्रतिचित्रण अथवा फलन मैपिंग और फंक्शन जो लिखा हुआ है, इसमें से आप लोग यदि एक्स और वाई दो दिए हुए समुच्चय हो, क्या यदि एक्स और वाई हमारे पास, एक हमारे पास प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग, मतलब आप लोग जानते हो, सोचे हुए कि कोई भी चीज़ तैयार करनी है या कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए मैप, मतलब एक मैप, एक मैपिंग उसकी कर लेते हैं कि हमको इस तरीके से जैसे जैसे प्रोग्राम रन करने हैं उसके थ्रू बाद में जिस सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हो जाएगी, वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो उसको मैपिंग मतलब, या कोई चीज़ बिल्डिंग का निर्माण करना होता है तो क्या प्रतिचित्रण मतलब उसका पहले एक रफली वर्क करते हैं, मतलब मैपिंग करते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर भी आपके पास प्रतिचित्र मतलब अथवा फलन, मैपिंग और फंक्शन, हमारे पास कोई मैप करेंगे, मैप होगा फिर उस पर फंक्शन करेंगे, उसी के बारे में आपको जानना। लिखा, यदि यक्स और वाई दो दिए हुए समुच्चय हों और यदि किसी दिए हुए, और यदि किसी दिए हुए नियम या सक्रिया एफ से प्रत्येक एक्स इज बिलोंग टू वाई की संगत एक अद्वितीय अवयव, क्या हमारा एक फंक्शन है उसमें से यक्स और वाई एक हमारे अद्वितीय अवयव हैं, जो वाई इज बिलोंग टू वाई निर्दिष्ट हो सके तो इस संगत को जिसे f से प्रकट करते हैं x का y पर प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं, x का y से प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। आप लोग हो गया, तो ये तो आपके प्रतिचित्रण के डिफिनेशन आप लोग पता कर चुके हैं कि ये मोटी मोटी क्या होती है, एक फंक्शन है उसमें से एक एक्स और वाई हमारे पास अभी हों उस पर मैपिंग करेंगे, उसके बाद उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रतिचित्रण बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है, x का y पर फलन x x y में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता है, मतलब कोई दो क्रमित अवयव हैं उनके पहले जो अवयव एक से नहीं होंगे। फिर एग्जांपल इसे लिखा, 1,3, 2,4, 1,5 एक फलन नहीं है क्योंकि 1,3 और 1,5 दो क्रमित युग्मों का एक ही प्रथम अवयव है, मतलब इसमें प्रथम अवयव एक ही मतलब हमारा एक है, ये नहीं हो सकता है, सारे भिन्न भिन्न हमारे होंगे। ये हो गई आपके पास मैपिंग। इसके बाद आगे और भी है तो मैंने आप लोग बनाया है, आप लोग को इसकी नोट्स भी मिलेगी, तो आप लोग नोट्स अगर व्हाट्सएप पे आप लोग को अबाउट पे नंबर दिया है आप लोग उस पर SMS करेंगे तो आप लोगों को नोट्स भी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करके स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा। ठीक है, तो इससे हमको लगे कि आप हमारे फैमिली मेंबर बन गए इसके ऑनलाइन क्लासेस के। तो ये चीज़ आपको थ्योरी है, थ्योरी में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है, आप लोगों को यहीं पर रहना है। तो इतना आप लोग को स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट स्टेप की ओर। नोट कर चुके हैं आप लोग, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में आप लोगों को मैंने नोट्स बनाई है क्योंकि ये थ्योरी है पेज के से, इस आप लोगों को फिर से लिखेंगे। इसमें एक एग्जांपल और भी है तो आप लोग एग्जांपल एक और देखेंगे, उसमें आप लोग क्रमित युग्म दिख जाएगा। तो क्रमित युग्मों का समुच्चय यह है, क्या होना चाहिए हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है, एक्स का मा ए, एक्स का मा बी, वाई का मा सी, वाई का मा डी और वाई का मा ई।
इसमें देखिए आप लोग पास यहाँ पे सर्कल के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा देते हैं, ऐसे ए बी सी डी ई। यहाँ पे हमारे पास यक्स और वाई, यक्स के हमारे ए और बी पे गए हुए हैं हमारे पास दो पॉइंट, वाई हमारे पास तीन जगह है एक्स पे सी पे और डी पे, इनकी आप लोग ऐसे ऐसे देख सकते हैं। जी हमारे पास यक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब इसके नीचे कुछ लिखा भी है, आप लोग को लिखना भी है यहाँ पे, क्या यह फलन नहीं है क्योंकि फलन की परिभाषा अनुसार दिए गए क्रमित युग्मों के गए क्रमित युग्मों के एक ही प्रथम अवयव x और y हैं, अतः 3,4 और 2,4 1,3 एक फलन है। इसमें देखिए सारे हमारे पास चेंजमेंट दिए हुए हैं, सेम टू सेम नहीं दिए हैं। ये आपके पास इतना और लिखना है, इसके बाद आप लोग बना लीजिए क्योंकि हमारे पास ये भी फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो भी आप लोगों को बताते हैं क्योंकि आप नोट्स में प्रोवाइड है। तो आप लोग को अब यहाँ पर इसे प्रतिचित्रण के संकेत कैसे पता करेंगे, आप लोगों के डोमेन कैसे पता करेंगे और इसके सैप्रांत कैसे पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। फिर आपके पास थ्योरी स्टार्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो नया टॉपिक है प्रतिचित्रण का संकेतन, प्रतिचित्रण का संकेतन, सिंबल फॉर फंक्शन ये दिया हुआ है। अब इसमें से आप लोगों को पता करना है, तो ये भी आपको पता करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग को पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। यदि प्रतिचित्रण या फलन के नियम को F से सूचित करें तो प्रतीक रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं कैसे, फंक्शन ऑफ एक्स टेंस टू वाई, कैपिटल बना लेंगे जी, इस प्रकार लिखते हैं। फिर लिखा और इसे इस प्रकार पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप लोग को बताते हैं, और इसे इस प्रकार पढ़ते हैं f, y पर x का फलन है, जब फलन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसे में लिख लिया यदि, आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है इसमें, fv = y और fc = z। तो
एफ ए को एक्स पर प्रतिचित्रण करता है और बी को वाई पर प्रतिचित्रण करता है सी को जेड पर प्रतिचित्रण करता है सी को जेड पर प्रतिचित्रण करता है संकेत रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं कैसे f बराबर a टेंस टू x कामा b टेंस टू y कामा c टेंस टू z इस प्रकार आपको लिखा जाता है तो आप लोग इसको पहचानेंगे। क्या लिखा आपके प्रतिचित्रण के संकेत मतलब सिंबल कैसे पता करेंगे कि ये प्रतिचित्रण है इसका तो आप लोगों को देखिए लिखा है यदि प्रतिचित्रण या फलन के नियम को f से मतलब अगर फंक्शन ऑफ f से अगर सूचित करें तो वह प्रतीक रूप से इसे इस प्रकार लिखते हैं कैसे फंक्शन एफ कोलन एक्स टेंस टू वाई ये हमारा क्या प्रतिचित्रण का एक संकेतन है हमारे पास फिर लिखा और इसे इस प्रकार पढ़ते हैं एफ कामा वाई पर एक्स का फलन है एफ कामा वाई पर एक्स का फलन है यदि एफ ए बराबर एक्स कामा एफ वी बराबर वाई एफ सी बराबर जेड तो एफ कामा ए को एक्स पर प्रतिचित्रण करता है बी को वाई पर प्रतिचित्रण करता है तथा सी को जेड पर प्रतिचित्रण करता है संकेत रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं फंक्शन आप ए टेंस टू एक्स बी टेंस टू वाई सी टेंस टू जेड जी हो गया आपके पास मतलब क्या आपके पास दो तीन आप लोग ले लिए प्रतिशत कांस्टेंट वैल्यू ले ली उसको आप संबल से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे अगर हमने एक्स वाई जेड ले ली इसे हमने क्या 5 10 15 ले लिया तो दूसरा हमने ए बी सी ले लिया तो ए टेंस टू 5 बी टेंस टू 10 सी टेंस टू 15 जी हमारे पास फंक्शन या प्रतिचित्रण का कारण हो गया सिंबल ऑफ फंक्शन ठीक है तो जी आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर जल्दी से नोट कीजिएगा हो गया होगा नोट कर चुकी हाँ देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा डोमेन डोमेन जिसको बोलते हैं प्रांत और रेंज जिसको बोलते हैं परिसर डोमेन एंड रेंज इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो हेडिंग डालेंगे आप लोग पहले डोमेन आप लोगों को डोमेन बताते हैं डोमेन जिसको बोलते हैं प्रांत लिखा एक्स कैपिटल एक्स में एक्स अवयवों का समुच्चय समुच्चय जिनके लिए वाई में एफ एक्स का एक अस्तित्व है एफ एक्स का अस्तित्व है डोमेन कहलाता है
कहलाता है जिन पर फलन की सक्रिया होती है। क्या होता है? जिन पर, यहाँ नेक्स्ट लाइन देख लेंगे, जिन पर फलन की सक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज के लिए आपके पास थोड़ा सा पढ़ना है, लिखा है एक्स में, एक्स स्मॉल एक्स के लिए वाई में एफ एक्स के संगत अवयवों का समुच्चय रेंज कहलाता है। ठीक, जी आपके पास हो गए डोमेन और रेंज के टर्म, आपको पता चले गए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डोमेन क्या होता है, एक्स में एक्स के अवयव, मतलब ये कैपिटल एक्स में स्मॉल एक्स के अवयवों का समुच्चय, जिनके लिए वाई में एफ एक्स का अस्तित्व होना चाहिए, डोमेन कहलाता है। मतलब हमारे पास अगर 1, 2 है तो 2, 3 होना चाहिए, 3, 4, मतलब एक अल्टरनेट होना चाहिए, वो हमारे पास डोमेन या प्रांत, मतलब एक की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो हमारा प्रांत कहलाता है, सेकेंड फंक्शन जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है, जैसे रेंज कहलाता है। इसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे लिखा हमारे पास एक फंक्शन लिख दिया 1, 2, दूसरा लिख दिया 2, 3 और तीसरा लिख दिया 3, 4, चौथा लिख दिया क्या 4, 5, छठवां लिख दिया 5, 6, ये लिख दिया। अब इसमें से आपको बताना है डोमेन, डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएंगे डोमेन। अब इसी में से अगर तुमसे पूछ लिया रेंज, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके जो फर्स्ट फंक्शन थे वो हमने डोमेन पर लिख लिए, सेकेंड फंक्शन जो बचेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, और हमारे पास रेंज में आ जाएंगे। जी आ गया आपके पास डोमेन और रेंज, तो ये आपको देखना है और इसको पढ़ना है। तो ये एग्जांपल आपको डोमेन, अब इसी में आपके पास आता है सह प्रांत क्या होता है, सह डोमेन क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब रेंज और डोमेन को मिला देते हैं तो कोडोमेन बन जाती है, वो भी आपको आगे बता रहे हैं, आप लोग इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं उसको भी। ओके, जल्दी से लिखिए क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके हैं आप लोग, इरेज कर देते हैं इसको। अब देखेंगे सह प्रांत लिखेंगे, देखिए जी आपके पास इसमें से लिख रहे हैं, देखिए क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें आपको नोट्स के हिसाब से रहे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी है, तो वाई के ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, इसमें से टर्म इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से हमने आपको सिस्टमेटिक लिख दिए हैं कि आपको अगर नोट्स ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इस वजह से लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल तो आपको बताते ही हैं हम आपको। वाई के सभी अवयवों का समुच्चय सह प्रांत कहलाता है। कभी कभी रेंज सह प्रांत कि एक ही अवयव होते हैं, एक ही अवयव
होते हैं और कभी कभी रेंज सह प्रांत का उचित उपसमुच्चय होता है और कभी कभी रेंज सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। y बराबर x स्क्वायर में कैपिटल x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो रेंज धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो रेंज धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इस प्रकार f फलन का डोमेन, इस प्रकार f फलन का डोमेन f की क्रमित युग्मों की प्रथम अवयव से बना समुच्चय होता है, प्रथम अवयव से बना समुच्चय होता है। जी आपके पास क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। सह प्रांत आपको बता दिया गया। अब देखिए वायु के सभी अवयव का समुच्चय सह प्रांत कहलाता है। कभी कभी रेंज सह प्रांत के एक ही अवयव होते हैं और कभी कभी रेंज सह प्रांत का उपसमुच्चय भी होता है। रेंज और जो हमारा प्रांत होता है वही दोनों मिलाकर सह प्रांत बन जाते हैं, बस उसमें अवयव डबल नहीं होते हैं। मतलब ये होता है आपके पास लिखा फलन y बराबर x स्क्वायर में x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो रेंज धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। अगर y तो इस प्रकार फलन f का डोमेन f के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव से बना समुच्चय होता है। इसके पहले आप प्रीवियस वीडियो इसका देखिएगा डिस्क्रिप्शन पे 2b का पार्ट नंबर 5वां, तो उसमें आप लोग को दिख जाएगा क्यों क्या, क्योंकि उसमें आप लोगों को सह प्रांत, प्रांत परिसर और डोमेन सह प्रांत आपको बता दिया गया, उसी से ही आप समझ लीजिएगा, आप लोग समझ आए होंगे अगर इसका पहला वाला पार्ट 2b का 5वां पार्ट आप लोग देखें तो। तो अब आगे इसके पास आता है प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं फंक्शन या इमेज, तो आप लोगों को उसका भी बताते हैं। एफ प्रतिबिंब क्या होता है वो आप लोग जान लीजिएगा, फिर आपके पास थ्योरी पोर्शन समाप्त हो जाएगी, तो आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास जो टॉपिक है क्या है, एफ प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, एफ इमेज। अब यो वाई इट बिलोंग टू कैपिटल वाई को जिसे प्रतिचित्रण F अवयव संबंधित करता है Fx से प्रकट किया जाता है, Fx से प्रकट किया जाता है और इसे यक्स का एफ प्रतिबिंब यक्स का प्रतिबिंब
या यक्ष के लिए फलन का मान कहते हैं, फलन का मान कहते हैं और इसे यक्ष टेंस टू वाई द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे यक्ष टेंस टू वाई द्वारा व्यक्त करते हैं जी। आपके पास अब इसके बाद एक आता है आपके प्रतिबिंब समुच्चय होता है, वो भी आप लोग जान लीजिए। प्रतिबिंब समुच्चय क्या होता है? इमेज सेट। इमेज सेट में आपके पास होता है, अभी आपको बता देंगे पूरी थ्योरी, आपको एक्सप्लेन कराएंगे फिर से। यक्ष के अवयवों के सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय एफ एक्स या एफ एक्स फंक्शन समुच्चय से प्रकट किया जाता है और इस प्रतिबिंब का समुच्चय कहते हैं और इस प्रतिबिंब का समुच्चय कहते हैं। ये हो गया आपके पास। आप बताते हैं आपको क्या करना है। इसे एफ इमेज क्या होता है? अवयव y इज बिलोंग टू y को जिसे प्रतिचित्रण f, अवयव x इज बिलोंग टू y, y इज बिलोंग टू y, x इज बिलोंग टू y से संबंधित करता है, तो एफ एक्स से प्रकट किया जाता है और इसे यक्ष का प्रतिबिंब या यक्ष के लिए फलन का मान कहते हैं और इसे x टेंड टू y द्वारा प्रकट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अब लिखे यार प्रतिबिंब समुच्चय क्या होता है? इमेज सेट यक्ष के अवयवों के सभी f प्रतिबिंबों, जो फंक्शन f प्रतिबिंब होते हैं उनका जो समुच्चय होता है fx, सेट ऑफ fx से प्रकट कर देते हैं तो प्रतिबिंब समुच्चय कहलाता है। उसको बस इस वाले फंक्शन को सेट के अंदर लिख देते हैं, हमारा प्रतिबिंब समुच्चय कहलाता है। ये आपके पास थ्योरी संपन्न हो गई है, थ्योरी समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आपके पास है वो आपको कल से स्टार्ट किया है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके पास थ्योरी पोर्शन बहुत सारा हो गया, आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। तो आज के लिए जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।